जब आती है तब 10 प्रकार के अड़के इन बातों के कारण प्रशासन में कैसे व्यक्ति है, मतलब न्यायपालिका क्या बोलेगी, हम करने जाएंगे उधर क्या होगा, हमारे खिलाफ लोगों को खड़ा करने वालों को एक होने का मौका देना कि नहीं दोनों। अध्यादेश लाना कि नहीं लाना, कानूनन ला सकते हैं क्या? अध्यादेश लाने के बाद उसको चुनौती नहीं मिलेगी ये पक्का है क्या? चुनौती मिलने के बाद ये कहा जाएगा क्या कि चुनाव के चलते ये काम किया गया है? ये सब उनके सोचने की बातें हैं, मेरी नहीं है। मैं चाहता हूँ संघ के स्वयंसेवक के नाते, संघ के सरसंघ चालक के नाते और राम जन्मभूमि आंदोलन के एक हिस्से के नाते कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर जल्दी बनना चाहिए। युगों युगों से मान्यता है, जिसकी कोई कोर्ट में चिकित्सा नहीं हो सकती, जो श्रद्धा का विषय है और सब भारतवासियों की श्रद्धा है, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम का जन्म हुआ, वहीं पर हम उसका मंदिर चाहते हैं। इसके लिए हमको इतना लड़ना क्यों पड़ता है? आज मथुरा में श्री कृष्ण कड़ाह रहे हैं, काशी में श्री भगवान हमारे शिव कड़ाह रहे हैं और अयोध्या में श्री राम। मीडिया के लोग कहते हैं जब जब चुनाव आता है तब तब, मैं कहता हूं तब तब नहीं, जिस दिन हिंदुओं का खून खौलेगा काशी मथुरा और अयोध्या तीनों का तीनों हम लेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी सकल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, स्वाभाविक रूप से अयोध्या में जब भगवान राम प्रभु राम की कृपा होगी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन करके रहेगा, उसमें कोई संदेह हो ही नहीं चाहता, वो किसी को होना ही नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि श्री राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ जो कथित विवाद है, जितनी जल्दी इसका समाधान हो जाए वो देश के सौहार्द के लिए और समृद्धि के लिए आवश्यक भी है और देश की बहुसंख्यक जनता इस मामले का अविलंब समाधान भी चाहती है। हमारी अपील होगी कि जितनी जल्दी इसका समाधान हो सके, जो लोग इस विवाद का समाधान नहीं चाह रहे हैं, जो जानबूझ करके देश के अंदर विवाद की स्थिति और न्यूसेंस क्रिएट करना चाहते हैं, वे लोग कहीं ना कहीं इस मामले में रोड़े अटकाने का प्रयास कर रहे हैं। मंदिर भाजपा के लिए, भाजपा विकास के मुद्दे पर आई है जी। लेकिन मंदिर हमारा आराध्य है, मंदिर बनेगा, मंदिर बनने के लिए हम लोग कृत संकल्प है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा होने के बाद भी कृत संकल्प है, सुप्रीम कोर्ट में है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट भी हमारा ही है ना जी। सुप्रीम कोर्ट भी हमारा है, न्यायपालिका भी, वो कार्यपालिका भी हमारी है, विधानपालिका भी हमारी है, मंदिर बनाने को देश भी हमारा है, मंदिर भी हमारा है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और समझौते के विकल्प समाप्त होंगे और हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा में नंबर होंगे तो निश्चित तौर से जितने अच्छे काम मानी मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं वो आगे एक और अच्छा काम, उसका भी रास्ता निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का पक्षधर था, पक्षधर है, पक्षधर रहेगा। अच्छा, राम मंदिर यदि अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या न्यूयॉर्क में बनेगा? राम मंदिर जहाँ भगवान राम पैदा हुए हैं वहाँ तो राम का मंदिर होना ही चाहिए, ये हर व्यक्ति भारतवर्ष में पैदा होने वाला मानता है। इसका विवाद है, उसे अदालत से निपटना चाहिए और यही बात अब मोदी जी भी कह रहे हैं, अमित शाह जी भी कह रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी तो कह रहे हैं कि अब राम जी की इच्छा होगी तो बनेगा। विपक्ष नहीं, दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बनने से रोक नहीं सकती। अभी साधुओं की ताकत को देखा भी नहीं है, संतों ने जब तक धैर्य धारण कर लिया है उसके विषय में सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ निर्णय करे, सारे दो मामलों में निर्णय करता है सुप्रीम कोर्ट, जिस मामले में निर्णय क्यों नहीं करता? निर्णय में देरी करेगा तो ठीक नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप YouTube पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook पर लाइक भी कर सकते हैं और Twitter पर फॉलो भी।